मानो भगवान के ऊपर कोई उपकार करते हैं। हम कहते हैं हाँ जी मैंने इतनी माला फेर दी, बस माता जी बस 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 माता जी बस बस। इधर देखो मेरे अल, मेरे अल देखो, गल सुनो जड़ी होन डई है अपनिया बाद च करियो। हम माला करते हैं भगवान के ऊपर, एहसान करते हैं मानो कि लो भगवान जी तुसी क्या सी पांच माला फेरनिया, लो फिर पांच माला फेर दिया। लेकिन भगवान को कभी भी इस भाव से नहीं भजना चाहिए। भक्ति करना हमारा कर्तव्य है, इस भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो सुदामा अपनी पत्नी को समझाता है। तो सुदामा ने जिस समय अपनी पत्नी को कहा तो पत्नी समझ गई कि ये तो मांगने से रहा, ये तो भगवान से कुछ मांगेगा नहीं। भगवान को अपना हाल भी बताना है कि हमारा हाल क्या चल रहा है। तो उसने चार घर के चावल मांगे। अब चार घर के चावल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, सभी के घर में एक ही क्वालिटी के चावल तो बनते नहीं। कोई बासमती खाता है, कोई परिमल खाता है, कोई टोटा खाता है। चार घर के चार तरह के चावल इकट्ठे हुए, सो पोटली बांध करके सुदामा की पत्नी ने सुदामा को दिए और कहा कि जाओ अपने मित्र को मिलाओ, ये भेंट मेरी तरफ से द्वारिकाधीश को देना। सुदामा चले द्वारिका की ओर। भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। बहुत दिनों के चलने के बाद उपरांत सुदामा द्वारिका पहुंचे और जिस समय द्वारिका के महलों में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने सबसे पहले स्वागत किया। हम कथा सुनते हैं लोगों से, जो आम लोग हैं वो क्या कहते हैं, कहते सुदामा को धक्के मारे जी वो जो द्वारपाल थे उन्होंने। लेकिन भगवान की द्वारिका में किसी ब्राह्मण को धक्के मारने का विधान नहीं है, वो भगवान का शहर है। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्वारपालों ने उसका स्वागत किया, उनसे पूछा कि आप कौन हैं? सुदामा ने कहा कि मेरा नाम सुदामा है और मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं, जाइए और कहिए कि सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने अंदर जाकर के द्वारिकाधीश को कहा कि प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, अपने आप को कहता है कि वो आपका मित्र है और उसका नाम सुदामा बतलाता है। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण नंगे पग
अपने मित्र की ओर भागने लगे और सुदामा को द्वार पर जाकर के भगवान ने गले से लगा लिया और मित्र को कहा कि मित्र इतने दिन लगा दिए यहां आने में, भगवान अंदर लेकर के गए, सारा वृत्तांत पूछा। सुदामा पूछते हैं कृष्ण बड़े दिनों के बाद हमारी भेंट हो रही है, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई होगी। भगवान कहते हैं बिल्कुल हो गई, अभी हमारी पत्नियां आपसे आशीर्वाद लेंगी। तो सभी जो भगवान की पत्नियां हैं वो लाइन में लग गई। सुदामा जी बैठे हैं आसन पर। नमस्कार करती हूं मैं रुक्मिणी, भगवान की प्रथम पत्नी। सुदामा कहते हैं सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आगे मैं सत्यभामा, भगवान की पटरानी। चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। करते करते 50-100 को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी के हाथ तो दुखने लगे। सुदामा जी कहते हैं और कितनी है? भगवान कहते हैं अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसी तो 16,108 हैं। सुदामा कहता है तो फिर एक ही बार में आशीर्वाद देता हूं सभी को, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव। भगवान कहते हैं तो मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है? अब सुदामा ने देखा भगवान का ऐश्वर्य कि जिसकी 16,108 रानियां हैं, इतना धन है कि सोने की द्वारिका है, सोने का घर है, वहां पे मेरे चावल क्या काम करेंगे? सुदामा कहता है नहीं, मैं जल्दी जल्दी में आ गया, तेरी भाभी कुछ देना भूल गई। भगवान उसके कोने पर जो बंधे हुए चावल थे भगवान ने छीन लिए और भगवान ने कहा पहला तो भुगत रहे हो, अब दूसरा भी भुगतने के लिए तैयार कर रहे हो? और भगवान ने पहली मुट्ठी भरी, इस लोक का राज्य भगवान ने उसे प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, भगवान ने स्वर्ग इत्यादि का फल प्रदान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरी, रुक्मिणी ने भगवान का हाथ रोक दिया। भगवान को कहने लगी हमें भी वहां भेजना है, बस करो अब। सो भगवान रुक गए। तो भगवान ने वहां पर बताया कि सुदामा तेरी दरिद्रता का कारण क्या है, तू गरीब इतना क्यों रहा? भगवान कहते याद कर, जिस समय हम दोनों गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो एक बार गुरु मां ने तेरे को चने दिए और कहा कि ये चने जो हैं ये दोनों तुम, कृष्ण और तुम, ये दोनों खा लेना, लकड़ी लेने के लिए तुम्हें जंगल में भेजा हमें माता ने। हम लकड़ी लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में बरसात हो गई, हम एक कोने पर खड़े थे, तुम एक कोने पर खड़े थे, भूख दोनों को ही लगी हुई थी,
तुम वो चने चबा रहे थे। हमने पूछा सुदामा, वो जो गुरु माँ ने हमें चने भेजे थे वो क्या किए? और तुमने क्या कहा कि वो चने जो हैं वो गिर गए और सारे चने वो तुमने खा लिए, उस कर्म का फल अब तक भोग रहे हो, तुम्हें दरिद्रता तुम्हारे जीवन में आ गई। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो किसी का हिस्सा खाता है उसे भी सुदामा जैसी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, कभी भी किसी के हिस्से की वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश करते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव जी, और इस तरह से सुदामा को भगवान ने अपने समान नगरी प्रदान करी। और जब सुदामा अपने घर वापस गया तो वहां पर क्या देखता है, वहां पर आज महल है, जो बच्चे हैं उनके सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, पत्नी आई बाहर, जब देखा कि अरे ये तो इतने सुंदर हो गए, तब्दील हो गए। सुदामा कहता है कि कृष्ण, मैंने तुमसे ये नहीं मांगा था, क्योंकि धन तुम्हारे भजन में बाधा पैदा करता है। आदमी के पास पैसा हो जाए तो वो पैसा क्या हो जाता है, फिर वो उसे क्या करता है, बढ़ाने की कोशिश करने लग पड़ता है, जिसे हमारे में कहते हैं निड़निवेदा चक्कर। निड़निवेदा चक्कर समझते हो? नहीं समझते, बताता हूं। एक महात्मा जी थे, एक सेठ जी थे। सेठ जी जो थे उनके पास उनकी दुकान थी, सुबह से लेकर के शाम तक उन्होंने दुकान में काम किया, जो भी ग्राही हुई वो ग्राही लेकर के रात को वो अपने कमरे में पैसे गिन रहे हैं। अब पैसे इतने हैं कि गिनने में देर लग रही है, सारी रात बीत गई, पैसे हाथ थक गए थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर फिर टहलते हैं, फिर पैसे गिनते हैं, फिर टहलते हैं, फिर पैसे गिनते हैं, तो टहलते टहलते खिड़की पर से देखा कि एक महात्मा सड़क के किनारे पे चौड़ा होके सोता गया। अब जैसे ही उस महात्मा को सोया हुआ देखा तो वो जो सेठ जी थे उनके मन में बड़ी जलन हुई। कहते मेरे पास इतने बड़े गद्दे डनलप के, मेरे को नींद नहीं, ये आदमी इसके पास कुछ भी नहीं, सड़क पे लेटा हुआ है आराम से सो रहा है, इसकी भी नींद हराम करनी चाहिए, इसकी भी नींद हराम करनी चाहिए। तो उस सेठ जी ने क्या किया, सेठ जी ने एक एक रुपए के ठिप्पे इकट्ठे किए 99, और 99 ठिप्पे इकट्ठे करके सुबह सुबह महात्मा जी के उठने से पहले वो महात्मा जी के सराहने रख के चला गया। अब दूसरी रात हुई,
सेठ जी फिर पैसे गिन रहे हैं। अब की बार जब खिड़की से देखा, वो महात्मा जी भी सोए नहीं। वो महात्मा जी पैसे गिन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99, 99। कोई चढ़ाएगा तो 99 क्यों चढ़ाएगा, 100 चढ़ाएगा तो 99 के 100 होने चाहिए। तो इसे कहते हैं 99 का चक्कर। तो महात्मा जी भी नींद में नहीं है, अब महात्मा जी की भी नींद हराम हो गई, और सेठ जी तो पहले ही नोट गिनने में लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य कि 99 का चक्कर जो है ये बड़ा मुश्किल है। आदमी कभी भी पैसे से खुश नहीं होता, पैसा जितना मर्जी आ जाए आदमी कहता होर हो, कभी संतुष्ट नहीं होता। साइकिल वाला कहंदा कल मेरे कोल कार होवे, साइकिल वाला कहंदा कल मेरे कोल कार वाला कहंदा मेरी हवा च उड़ारो, आसा कदे बंदे दिया हुंदिया ना पूरिया, जिंद मुक जांदी पर रहंदिया दूरिया, जिंद मुक जांदी पर रहंदिया दूरिया, आसा कदे बंदे दिया हुंदिया ना पूरिया, जिंद मुक जांदी पर रहंदिया दूरिया, जिंद मुक जांदी पर रहंदिया दूरिया। तो कहते हैं कि आदमी की आशा कभी समाप्त नहीं होती। तो सुदामा जी ने देखा कि अरे इतने बड़े महल भगवान ने मेरे लिए बनवा दिए, लेकिन मैं महल नहीं चाहता, क्योंकि महलों में बैठ करके मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना है, मुझे तो भजन करना है। तो उन्होंने, सुदामा जी उस घर में नहीं रहे, सुदामा जी ने कुटिया बनाई और कुटिया में ही अपना जीवन निर्वाह किया। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि नाम विसराए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को क्या करना कि जो हमें भगवान भुला दे। हमें तो क्या करना चाहिए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए, जो हमें नाम जपवाता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से भगवान अब अपने निज गमन जाने की इच्छा कर रहे हैं, तो उद्धव जी को भगवान भेज रहे हैं, क्योंकि प्रेमी भक्त जब तक सामने हैं तब तक भगवान निज गमन नहीं कर सकते, ऐसा नियम है। क्योंकि भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता और भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते। भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव देव जी आप जाइए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में जाकर के विदुर जी हैं, विदुर जी के साथ जाकर के मेरा आप उन्हें मिलिए। भेजा उद्धव को,
तो उद्धव जी आधे रास्ते गए फिर मुड़ करके वापस आ गए। मन में ये सोच करके कि भगवान मुझे अकेला क्यों भेज रहे हैं, कोई ना कोई बात जरूर है। इसलिए वो फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। जब तीन बार ऐसा हुआ तो चौथी बार भगवान उद्धव को कहते हैं, उद्धव देव जी बैठो, अब हम आपको एक संदेशा देते हैं, वो संदेशा आपने विदुर जी को देना है। हम वो ज्ञान आपको अब बतलाते हैं जो ज्ञान हमारे पूर्वज राजा यदु को श्री दत्तात्रेय महाराज ने दिया था, वो ज्ञान हम आपको बताते हैं, वो ज्ञान जाकर के आप विदुर जी को भी बताइएगा। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जो कि ईश्वर अवतार हैं, त्रेता युग में बताया था कि युग युग में भगवान अवतार धारण करते हैं, तो त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय जी ने अवतार धारण किया उस परमात्मा ने, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया, और इस कलयुग में हमारे भगवान श्री चक्रधर महाराज ने अवतार धारण किया। तो श्री दत्तात्रेय महाराज एक बार जंगल में बैठे हुए हैं, राजा यदु शिकार खेलने के लिए जंगल में आए तो श्री दत्तात्रेय महाराज को मिले। राजा यदु ने देखा कि भगवान के चेहरे पर तेज चमक रहा है, भगवान तेजोमय हैं, भगवान की श्री मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है। ऐसा रूप देख करके राजा यदु के मन में आया कि ऐसा रूप तो मेरे को भी होना चाहिए, क्योंकि सुंदर व्यक्ति को देखो तो मन में आता है ना कि ऐसा काश मैं भी सुंदर होता। तो राजा यदु के मन में आया कि श्री दत्तात्रेय महाराज इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सुंदरता मेरे में भी आनी चाहिए। तो राजा यदु श्री दत्तात्रेय महाराज को कहता है कि प्रभु, ये जो आपका रूप है, ये जो तेज है, ये तेज आदमी में कैसे आता है? श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि ये तेज जो है ये जूस पीने से नहीं आता, ये फल फ्रूट खाने से नहीं आता, ये तेज आता है नाम जप करने से और वैराग्य साधने से, ये तेज हमारे शरीर के ऊपर आता है। तो राजा यदु कहते हैं, प्रभु ये तेज मैं भी अपने चेहरे पर लाना चाहता हूं। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने वहां पर 24 गुरु व्याख्यान राजा यदु को किए। राजा यदु को कहा कि हे राजन, सबसे पहले मैंने अपना गुरु बनाया इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी को अपना गुरु बना करके मैंने पृथ्वी से यह सीखा कि पृथ्वी जैसी सहनशीलता किसी और में नहीं है, चाहे जितना मर्जी कोई पापी से पापी भी क्यों ना आ जावे, ये पृथ्वी किसी के साथ वितकरा नहीं करती, ये सहन करती है। इसी तरह से जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जावे, हमें अपने भीतर की सहनशीलता जो है
वो खत्म नहीं होने देनी चाहिए। हमें सहनशील बनना चाहिए। भगवान कहते हैं दूसरा गुरु बनाया मैंने अग्नि को। अग्नि से क्या सीखा कि आग में चाहे गिल्ली लकड़ चाहे सूखी लकड़ जो मर्जी जाओ उसमें डाल दो वो जल करके भस्म हो जाती है। उसी तरह से अपने अंदर हमें ज्ञान की अग्नि जलानी चाहिए और ज्ञान की अग्नि जलाते हैं जब हम अपने हृदय में तो फिर हमारे पाप जो हैं वो क्या हो जाते हैं जल करके भस्म हो जाते हैं। तीसरा गुरु बनाया मैंने समुद्र को। समुद्र से सीखा कि सारी दुनिया समुद्र में सुबह से लेकर शाम तक उसमें गंदगी डालती है लेकिन समुद्र वो गंदगी अपने भीतर नहीं लेता। शाम को वो सारी गंदगी फिर कोने पे डाल देता है फिर वापस दे देता है हमें। उसी तरह से जो साधक है उसका मन चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उसमें किसी भी तरह की कुरीतियां किसी भी तरह की बुरी चीजें डालने की कोशिश करे लेकिन भक्त वो है जो किसी भी तरह की बुराई अपने अंदर आने नहीं देता। भगवान कहते हैं गुरु बनाया मैंने अजगर को कि पंछी करे न चाकरी अजगर करे न काम दास मलू का कह गए सबके दाता शाम। अजगर जो है वो कोई काम नहीं करता। उसी तरह से वो किसी के बनाए हुए घर में ही निवास कर लेता है अपना घर नहीं बनाता। उसी तरह से जो महात्मा है उसे कभी भी अपना घर नहीं बनाना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए दूसरों के घरों में ही अपना टाइम पास कर लेना चाहिए रहने के लिए क्योंकि ये संसार जो है ये क्या है ये धर्मशाला ही तो है। जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और लगा लो तेल चमेली और लगा लो चाहे तुम अब सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट। सभी टेम्परेरी हैं और इस संसार में जितने भी हम जीव हैं हम सभी प्लेटफार्म के ऊपर ही तो खड़े हैं। जिसकी जिसकी गाड़ी आ रही है वो गाड़ी पे सवार होकर के जा रहा है। उसी तरह से अजगर किसी का काम नहीं करता अजगर अपना घर नहीं बनाता महात्मा को अपना घर नहीं बनाना चाहिए। और गुरु बनाया मैंने मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या सीखा कि देखो मधुमक्खी सारी जिंदगी क्या करती है सारी जिंदगी शहद इकट्ठा करती है और सारी जिंदगी शहद इकट्ठा करने के बाद वो जो शहद है
वो एक शिकारी आता है और जाल लगा करके आग लगा करके मधुमक्खियों को भगा देता है। सारी जिंदगी जो शहद इकट्ठा किया था मधुमक्खियों ने, वो एक मिनट में सारा शहद लेकर के चला जाता है। उसी तरह से इस संसार में हम जितनी भी चीजें इकट्ठी करें वो सारी चीजें एक दिन छोड़नी पड़ जाती हैं, जब मौत आ जाती है तब। जिन्ना लई कर दैसे ठगियां किथे गए तेरे कर दे पैर पसार पियां विच वेड़े कटो कटो पे कर दे। जिस परिवार के लिए हम सारी उम्र काम करते हैं वो परिवार वाले जब मर जाता है आदमी तो वो परिवार वाले वही कहते हैं कि अरे इसे जल्दी से निकालो शमशान में जला करके आओ ताकि बाद में खाना खा सकें। इसलिए श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं मधुमक्खी से मैंने सीखा कि संग्रह नहीं करना चाहिए। और इस तरह से मैंने 24 गुरु बनाए, 24 गुरु बना करके मैंने अपने जीवन में उसे जिया। वैसे तो इस संसार में सारी चीजें ही हमारी गुरु हो सकती हैं, सभी चीजें कोई ना कोई सीख हमें दे रही हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है।